वकीलों के चैंबर 3 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं एवं पूरे चैंबर हॉल को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि करनाल के चैंबर में वकील व कई अन्य लोगों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण सभी चैंबर बंद कर दिए गए हैं, साथ ही पूरे चैंबर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। वकीलों ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी वकील पहले भी कोरोना महामारी के प्रति सजग हैं, परंतु बाहर से आने वाले लोगों के कारण कोरोना के फैलने की गुंजाइश बनी रहती है। उन्होंने बताया कि पहले भी कई बार चैंबर्स को सैनिटाइज करवाया जा चुका है और अब भी 3 दिन के लिए चैंबर में लॉकडाउन लगाकर कोरोना से बचाव के लिए सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। यहां हम आपको यह भी बताते चले कि करनाल में लगातार कोरोना के केस देखने को मिल रहे हैं। अभी कोरोना का जो केस आया है उसके बाद सैनिटाइज किया गया। हमने पहले भी लॉकडाउन के दौरान भी कई बार अपने चैंबर कॉम्प्लेक्स को सैनिटाइज किया है और अब जब पता लगा है कि हमारे 2-3 एडवोकेट्स जिसमें हमारे आर ओ साहब भी जिसमें 2-3 एडवोकेट्स आए हैं कोरोना पॉजिटिव, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी सिम्टम्स आए हैं, तो उसके बाद आज हमने तुरंत बिल्डिंग को बंद कर दिया और सैनिटाइज करा दिया और आगे भी ऐसे ही हर हफ्ते हम सैनिटाइज कराते रहेंगे बिल्डिंग को जैसे भी होगा। तो किस तरह की एहतियात बरती जा रही थी कोविड-19 को लेकर पहले और अब क्या स्थिति है? देखो जी, जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं जितने भी हैं वो तो सारे अलर्ट हैं, लेकिन पब्लिक का जब खुलते हैं तो पब्लिक का आना जाना लगा रहता है, कोई ना कोई संपर्क में आ जाता है, ऐसे पता तो लगता नहीं। अभी तक पहले कोई कोर्ट से आया नहीं था, ये पहला ही केस है जो कोर्ट में आया है और हमारे एडवोकेट भाई को है। अब करनाल कोर्ट में 3 केस मिले, तो अब कोर्ट कितने दिन तक बंद रहेगी, चैम्बर कब तक खुलेंगे? चैम्बर का तो हमने जैसे सैनिटाइज आज कराया है तो 3 दिन तक बंद रखने का हमने अभी तक प्लान किया है, आगे जैसा भी रहेगा तो आपको बता देंगे। 3 दिन तक तो बिल्कुल बिल्डिंग बंद रहेगी, पब्लिक आना जाना भी बंद रहेगा। क्या नाम सर आपका? एडवोकेट जयपाल कश्यप, मैं आज AR यहाँ इस टाइम हूँ। धन्यवाद। नाम ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।